किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर अगर आप वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं बट आपको जो इंटरनेट स्पीड है वाईफाई के थ्रू बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है, तो उस वाले इशू को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे आप अपने वाईफाई स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं? और अगर आप गेमिंग करते हैं और वाईफाई को यूज़ करने से दूसरे फ़ोन से हॉटस्पॉट लेकर के आप यूज़ कर रहे हैं और आपका पिंग बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, तो वो सारी चीज़ों को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको आज यहाँ पे तीन मेथड्स बताने वाला हूँ। तो इन तीनों मेथड्स को आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपकी डेफिनेटली वाईफाई की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और इवन जो आप गेमिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको स्टेबल पिंग भी मिलने लगेगा, तो आप किसी भी वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट लेकर के दूसरे मोबाइल से आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक के बटन को ज़रूर से प्रेस करें। सो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो मेथड नंबर वन है, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा एप्लीकेशन है, कहाँ पर मिलेगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। सो एप्लीकेशन जब आप ओपन करेंगे तो आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल होता है, उसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ एक इस तरीके का इंटरफेस आता है, जहाँ पे आपको नीचे में एक्टिवेट का बटन दिख रहा होगा, सिंपल सा इसके ऊपर टैप करना है एंड एक टैप पे आपका एप्लीकेशन कनेक्ट हो जाता है। और इससे क्या होता है गाइज, ये आपके इंटरनेट कनेक्शन को स्टेबल बनाता है। वाईफाई यूज़ कर रहे हो या फिर मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं, दोनों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों केस में ही आपका जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो स्टेबल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सो गाइज, ये तो मेथड नंबर वन था। इसके बाद जो दूसरा मेथड है, उसके लिए आपको आपके फ़ोन के सेटिंग्स के अंदर चले जाना है, और सेटिंग्स के अंदर जाकर के सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल करना है, जिसके लिए आप जाएंगे अबाउट फ़ोन के अंदर, और यहाँ पे आपको अपने बिल्ड नंबर के ऊपर या फिर एमआई का फ़ोन है तो MIUI वर्जन के ऊपर 7 से 8 बार लगातार टैप करना है और आपका डेवलपर ऑप्शंस इनेबल हो जाता है। सो डेवलपर ऑप्शंस आपको यहाँ पे आपके फ़ोन के सेटिंग्स के अंदर, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर मिलता है नीचे में, इसके अंदर आपको जाना है। और यहाँ पे गाइस, डेवलपर ऑप्शंस के अंदर आपको नीचे में नेटवर्किंग वाले सेक्शन के अंदर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसको आपको इनेबल करना है। सो सबसे पहला ऑप्शन जो आप इनेबल करेंगे वो हो जाता है वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन हो जाता है, जो कि हेल्प करता है आपके फ़ोन के बैटरी को ड्रेन होने से बचाने के लिए जब आप वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आपका जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है उसको भी इंक्रीज़ करता है। गैस, इसके बाद जो हमारा थर्ड मेथड हो जाता है, इसके लिए आपको यहीं पे एक और ऑप्शन मिलेगा, जो कि है टर्न ऑन वाईफाई कवरेज एक्सटेंशन, एक्सटेंड वाईफाई कवरेज यूजिंग हॉटस्पॉट। सो इस वाले ऑप्शन को भी आपको ऑन कर देना है। सो ये ऑप्शन क्या करता है गैस, आपके वाईफाई के कवरेज को एक्सटेंड कर देता है। आपका जो एरिया होता है जहाँ पर नेटवर्क कैच करता है आपका डिवाइस, उसको एक्सटेंड करता है, जिससे आपको बेटर नेटवर्क मिलता है आपके फ़ोन के ऊपर और बेटर वाईफाई परफॉर्मेंस भी आपको मिल जाती है। सो यहाँ पे आपको ये दोनों ऑप्शंस को इनेबल कर लेना है। अब बात आती है कि एप्लीकेशन आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा वाईफाई के नाम से, जिसके ऊपर आपको टैप करना है, और वहाँ पे आप डायरेक्टली प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के एप्लीकेशन को फिर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले एप्लीकेशन का नाम है इंटरनेट ऑप्टिमाइज़र, और इन तीन मेथड्स को आपको साथ में यूज़ करना है। उसके बाद गाइज, आपकी जो वाईफाई की स्पीड है डेफिनेटली पहले से कई ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसको आप ट्राई करें एंड कैसा रिजल्ट मिल रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक के बटन को ज़रूर से प्रेस कीजिए।